नमस्कार बच्चों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको भिन्न के जोड़ और घटाव सिखाएंगे। देखिए, जैसे भिन्न है 4/12 प्लस 5/12, तो देखिए इसमें हर बराबर है, हर बराबर है, तो इसमें क्या करते हैं, अंश जोड़ लो। जैसे 4 और 5, 4 और 5 कितने होते हैं, 9, और नीचे के हर लिख देते हैं 9/12। तो 4/12 और 5/12 का जोड़ कितना होगा, 9/12। ऐसे देखिए और संख्या देख लीजिए, और भिन्न 7/20 प्लस 6/20, तो इसमें क्या करेंगे, 7 और 6 जोड़ लेंगे, कितने होंगे, 13, और 13/20। अब आगे देखिए, इसमें तो हर बराबर है, अगर हर बराबर नहीं होंगे तो कैसे करेंगे भिन्न, देखिए जैसे 4/6 प्लस 3/8, यह भिन्न, तो ऐसे कैसे करेंगे, पहले आप हर का लासा लेते हैं, तो जैसे 6 का और 8 का लासा ले लेंगे, तो देखिए 6 का 8 का लासा कितना होगा, 24 होगा, तो यहाँ पर 24 लिख लेंगे ऐसे। अब क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, 6 का भाग 24 में देंगे, तो 6 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और जो भाग आया उसका उसमें ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 6 का भाग 24 में 4 बार गया, 4 का गुणा 4 में करेंगे, तो कितने आएंगे, 16 प्लस, ऐसे 8 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 16 और 9 25, 25/24। अब देखिए, अब इसको सही बनाएंगे, सही बना दो, तो इसका भाग इसमें देते हैं, तो 24 का भाग सही में कैसे बनाते हैं, 24 का भाग 25 में ले देंगे, 24 का भाग 25 में सही में जब बनाते हैं, जब ऊपर संख्या बढ़ जाए तब, ठीक है, तो 24 का भाग 25 में 1 बार जाएगा, 24 एकम 24, और घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो ऐसे ही करके जो भाग देकर आता है वह संख्या यहाँ लिख देते हैं सही में, और शेष बचता है वो ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे वाली संख्या नीचे ही रहती है। अब देखिए आगे, जैसे अपनी सही में भिन्न है, जैसे 2 सही 2/3 प्लस 1 सही 5/6, यह भिन्न है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको पहले 7/8 भिन्न में बदलेंगे, और 7/8 भिन्न में कैसे बदलते हैं, देखो इसका इसमें गुणा करते हैं, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और यह जोड़ लेते हैं ऊपर वाली संख्या, तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/8 नीचे वाली संख्या आएगी 3, 8/3 होगा, ऐसे ही प्लस का चिन्ह लगा लो, ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 का 6, 6 और 5 11, 11/6। अब पहले की तरह ही एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। अब क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 2/16। अब प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ऐसे ही 6 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 11 में करेंगे तो 11। अब ये जोड़ लेंगे, 16 11 27/6। अब देखिए ऊपर संख्या बड़ी है और नीचे छोटी है, तो इसमें सही में बना देंगे मिश्र भिन्न में, तो देखिए मैंने पहले ही बताया, या निचली वाली संख्या का ऊपर वालों में भाग दे देते हैं, कितनी बार आएगा, 6 चौक
24 घटा ले में 3 शेष बचे, तो जो भाग दे करके आता है उसी को यहां लिख देते हैं सही में, और जो शेष बचते हैं ऊपर लिख देंगे बट्टे 6, ऐसे कर लेंगे। आगे देखिए, जैसे अगर कोई मैंने लिखी है 2 + 3/4, अब ये भिन्न है तो इसको कैसे हल करेंगे? इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि 2 लिख लो, ये 2 और ये 2 सही 3/4। अब ये वैसे आप करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे 4 × 8 और 8 × 3 = 11, तो कितना आएगा 11/4, और 4 का भाग इसमें लेंगे 4 × 8 तो 2 सही 3/4 उतना ही आ गया, तो ये ऐसे ही जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, और कोई संख्या हो तो 3 + 5/6 कैसे कर देंगे? ये 3 लिख लो और ये 5/6 लिख दो, ऐसे करके हो जाएगा। अब आगे देखिए घटाने के बिंदु कैसे करेंगे, देखो देखिए 7/20 और 5 - 5/20, तो इसे कैसे करेंगे? देखो जोड़ की बिंदु में अगर हर बराबर होते थे तो ऊपर जोड़ देते थे, अब इसमें से ये घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 2/20। अब देखो 2 से ये कट जाएंगे, 2 × 2 तो 1/10 आ जाएगा। ऐसे अगर और कोई दूसरी संख्या देख लो, 8/25 - 4/25, तो कैसे होगा? 8 में से माइनस कर दो 4 / 25, ऐसे कर लेंगे। अब आगे देखिए, अगर हर बराबर ना हो तो कैसे करेंगे? देखो 9/12 - 5/16 ये मिलने, तो देखो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा? 48 होगा, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना? 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 × 36 होगा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ऐसे ही 16 का भाग 16 × 3 = 48, 5 = 15। देखो जोड़ के ही तरह ही, केवल अब यहां पर जोड़ में जोड़ देते थे और इसमें घटा देंगे, तो 36 में 15 घटा दो कितने बचे? 21/48। अब देखो ये भी कट जाएंगे 3 से, 3 × 7 = 21 और 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, तो 7/16 आ जाएगा ऐसे करके। अब देखिए आगे, चार सही 2/3 - 2 सही 5/6। अब इसको क्या करेंगे? 7/8 बिंदु में चेंज करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करते हैं, 3 × 12 और प्लस ये कर देते हैं, तो 12 × 2 = 14/3 माइनस ऐसे ही 6 × 12 = 5 = 17/6। अब इसमें क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, देखो एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, तो इसका इसमें भाग देंगे 2 बार और 2 का 14 गुणा करेंगे तो 14 × 2 = 28 माइनस
ऐसे 6 × 6 में एक बार जाएगा और 1 × 17 में करेंगे तो 17 आएंगे। अब देखो पहले की तरह ही जोड़ना है, इसमें जोड़ लेते थे, अब ये घटाना है तो इसमें घटा देंगे, तो 28 में भी घटा दो, कितने बचे 11, 11/6 और 6 का इसमें भाग दे दो, 6 × 6 = 5/6 आ गया। अब देखो आगे देखो जैसे घटाना है, 2 − 3/5, तो इसमें देखो वैसे सीधा करेंगे तो इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितने बचे 1 बचेंगे, और इसमें से ये वाली संख्या घटा देते हैं तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने आएंगे 2, और 2/5 ऐसे आएगा। और वैसे करना चाहो तो इसका इसमें गुणा कर दो, 5 × 10 और 10 में से 3 घटा दो तो कितने बचेंगे 7, 7/5 और इसको सही में चेंज कर दो तो 7 का भाग इसमें देंगे 1 बार जाएगा, 2 शेष बचेंगे तो 2/5 ऐसे कर लेंगे। अब देखिए आगे गुणा की भिन्न देखिए, चार बटे 9 × 12 तो इसमें वैसे तो इसका इसका गुणा कर लेते हैं ऊपर ऊपर, 12 × 4 = 48 और बटे 9, 3 × 3 कट जाएंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9 = 16/3 और ये वैसे भी कर सकते हैं जैसे 9/12 है गुणा 4/9 गुणा 12 यही बननी है। तो देखो ये 3 से कट रहे हैं दोनों संख्याएं, तो 3 से काट दो, 3 × 9 3 × 6 = 12 तो 16/3 ऐसे भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए जैसे 4/5 गुणा 10/12 ये भिन्न, तो देखो ये भी दोनों तरीके से हो जाएगी, जैसे ऊपर ऊपर का गुणा कर लो इसका इसका तो 10 × 6 = 40 ऐसे ही नीचे नीचे का गुणा कर लेंगे 12 × 7 तो देखो अगर ऊपर 0 है और नीचे भी 0 है तो 0 से 0 काट देंगे और 2 से ये कट जाएंगे, 2 × 4 = 6 तो कितना आएगा 2/3 और अगर इसको ऐसे भी करके तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 4/5 × 10/12 अब देखो 5 से ये कट रहे 5 × 5 = 10 4 × 4 = 12 तो 2/3 अब देखो आपने जैसे यहाँ काट लिया तो यहाँ नहीं काटने पड़ेगा तो अपना आंसर बराबर आ गया, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, चाहे कौन से तरीका से कर सकते हैं। अब आगे देखिए अब भाग की भिन्न बताएंगे, अब देखिए भाग की भिन्न 4/9 / 6 ये भिन्न, तो देखिए यह भिन्न तो यहाँ पर जैसे एक छिपा होता है यहाँ पर, तो देखो इसको हल करेंगे तो देखो 4/9 और इस जो भाग का चिन्ह है उसे गुणा में चेंज कर लेते हैं, यहाँ गुणा लगा देंगे और ये वाली संख्या है जो ऊपर है नीचे आ जाएगी और नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, तो 1/ उल्टी कर लेते हैं 1/6। अब देखो पहले मैं बता ही चुका हूँ, देखो कट रहे हैं 2 × 2 = 4 × 2 = 6 तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 और 9 का 3 में गुणा कर लो 9
27 आ जाएगा। अब आगे देखो, ऐसे अगर 5/2/3 है ये संख्या, तो मैंने बताया था कि इसको गुणा में चेंज करते हैं, तो 5 गुणा और इसको उल्टी कर लेते हैं, ये ऊपर हो जाएगी, ये नीचे हो जाएगी, तो 3/2। और यहां पर एक छपा होता है, तो क्या करेंगे, इनका गुणा कर लो ऊपर ऊपर का, तो 5 3 15 और नीचे नीचे का, तो 15/2। अब इसका इसमें भाग दे दो, 2 7 14 तो 7 1/2 आ जाएगा। देखो आगे देखियो, ये 4/5/2/3 है, ये भिन्न है भाग के, तो इसको पहले क्या किसमें बदलते हैं, गुणा में बदलते हैं। तो देखो 4/5 गुणा इसको क्या कर लेंगे, उल्टी कर लेते हैं, ये ऊपर हो जाएगी है नीचे, तो 3/2। अब देखिए 2 से ये कट रहे हैं, 2 2 4, तो इस अब इसका इसका गुणा कर लेंगे, 3 2 6 और नीचे कितने आएंगे, 5/2। तो इसका भाग दे दो, 1 से 1/5 ऐसे करके। तो देखिए एक सवाल लिखिए, ¾ उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है, अधिक है तो धन ज्ञात करो। अब देखियो किसी धन का 3/4 उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है, तो धन ज्ञात करो। तो इसमें धन मान लेंगे, माना धन बराबर x मान लेंगे, ठीक है। तो किसी धन का जैसे 3/4 है, तो 3x हो जाएगा, ये 3x/4 एक लिख लेंगे, और अधिक है तो इसको माइनस करेंगे इसको, देखो, और ये कितना है 2/5 है, तो ये हो जाएगा 2x/5 और इसको क्या कर लेंगे बराबर में 700 ऐसे कर लेंगे। अब देखिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो इसका हल कर लो, 4 5 20 और 5 3 15 और x माइनस ऐसे 4 × 4 2 8x = 700। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दो, तो कितने x बचे, ऐसे 7x/20 = 700। अब देखो ऐसे गुणा कर लेते हैं ऐसे करके, तो ये 7x = हो जाएगा 700 × 20 और x = हो जाएगा 700 × 20/7। तो 7 से ये काट देंगे 100 बार, तो x = कितना हो जाएगा, इसका इसका गुणा कर देंगे, देखो 2000, तो x = कितना होगा 2000, तो अपना धन कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो देखिए